Duke, 50 years of great fashion. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं Duke Fashion, the essence of great fashion. This program is co-sponsored by Paras Money, Vallabh Young Private Limited, S. Dinesh & Company, Red Hill, J. Juki T-Shirts, M&W Comfort Clothing, Man Leo Original, Indra Hosiery, Tado Fashions. This program is co-sponsored by DC Ludhiana, Anil Textiles, Praveen Fabrics, Chappal V, Cyber Excel, Guru Sevak Parivar, A Social Helping Hand, Lee Bantam, KGM Ludhiana, Oswal Enterprises, Pharmaceutical Distributor. This program is co-sponsored by Bapuji Foods, DK Suits, BMKL Ludhiana, Railtech Kaputhala, Vimal Fabrics Delhi, BB Woolen Mills, Vallabh Udyog, PV Books Jalandhar, Dera Sharing Company. सर्वप्रथम हम पूज्य साधु श्री जी महाराज साहेब सुमनीषा श्री जी महाराज साहेब जो हमारे बीच में विराजमान हैं जिनकी पावन निश्रा में आज का ये अद्भुत कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है जिसका नाम है कौन बनेगा ज्ञानवीर। ये अद्भुत कार्यक्रम जैसा कि पहले भी कहा गया कि पिछले 8 साल पहले भी ये कार्यक्रम इसी हॉल में आयोजित किया गया था। आज पुनः हमें संपर्क मिला आत्मा चैनल से जिन्होंने हमारी इस बात को सुनकर इस अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन करने का हमें हौसला दिया। श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की मुख्य पत्रिका नवयुग निर्माता और आत्मा चैनल की संयुक्त प्रस्तुति कौन बनेगा ज्ञानवीर जिसमें जैन धर्म जैन इतिहास और जैन दर्शन के ऊपर विभिन्न प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम यहां पर खेले जाएंगे और उसके पुरस्कार हर प्रश्न के ऊपर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ। नवयुग निर्माता मासिक पत्रिका जिसकी 150 से ऊपर प्रतियां या अंक निकल चुके हैं जिसमें 100 से अधिक अंकों के अंदर जो एक रोचक पहेली सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता अन्य भी प्रतियोगिताएं उसमें चलती रहीं लेकिन इस प्रतियोगिता ने शतक भी पूरा कर लिया। इस पत्रिका की खासियत यह है कि इस 150 अंकों के अंदर किसी भी संप्रदाय भेद को न देखते हुए सभी संप्रदाय के आचार्य भगवंतों चाहे वो तेरापंथी समाज से हो चाहे वो स्थानिकवासी समाज से हो चाहे वो दिगंबर समाज से क्यों ना हो और मूर्ति पूजक समाज से इन चारों संप्रदायों के विभिन्न आचार्य भगवंतों और लेखकों के लेख इसमें निरंतर छपते रहे और छपते रहे हैं। इसलिए आज का भी ये आयोजन जैन धर्म के चारों संप्रदायों को एकत्रित करते हुए श्री महावीर स्वामी भगवान के झंडे तले यह नवयुग निर्माता और आत्मा चैनल के संयुक्त प्रयासों से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिन्होंने इस नवयुग निर्माता पत्रिका में 100 से ऊपर प्रतियोगिताएं रचाई श्रीमती सुनीता जैन जी धर्मपत्नी श्री अशोक जैन जी और आज के मुख्य जो लाभार्थी परिवार हैं भोजन लाभार्थी परिवार हैं
श्री विनोद जैन जी गोयम, जिनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, जो स्थानिकवासी संप्रदाय के अंदर एक विशिष्ट कार्यों के अंदर, चाहे वो अपना नाम आगे नहीं रखते हैं, लेकिन एक गुरु सेवक परिवार की ओर से 21 स्थानक बनाए जा रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के अंदर। और ऐसे स्थानों के अंदर जहां साधु साध्वी भगवंत का विचरण तो होता है, लेकिन वहां पर कोई रहने का स्थान नहीं, तो ये इन्होंने उन स्थानों को चुना और आगे भी चुन रहे हैं। और श्री आत्मानंद जैन सभा के मंच से मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी ही यहां पर एक आटे की चक्की जैन सभा के द्वारा लगाई जा रही है, और एक एक्सपेलर वो भी लगाया जा रहा है जिसमें शुद्ध तेल निकलेगा। इस एक्सपेलर का जो लाभ लिया है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए की है, उसका विनोद जैन जी गोयम ने लाभ लिया है। इसके साथ साथ आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में बहुत से हमारे स्पॉन्सर्स हैं, लगभग 25 के करीब स्पॉन्सर्स उन्होंने हमें हौसला दिया है। और इस प्रतियोगिता के अंदर जो सबसे उत्तम इनाम है, 15वें प्रश्न को जो जीत लेगा, जिसका उत्तर दे देगा, उसको लैपटॉप दिया जाएगा, जिसका लाभ हमारे श्री शंकर ही मुख्य संरक्षक महोदय श्री कोमल जी जैन ड्यूक फैशन की ओर से ये लैपटॉप आपको दिया जाएगा। तो मैं समस्त परिवारों को हार्दिक अनुमोदना करते हुए निमंत्रित करता हूं, और श्रीमती सुनीता जैन जी, और यहां एक और चीज़ मैं भूल गया कि श्रीमती संतोष जैन जी, धर्मपत्नी श्री देविंदर जैन जी, उन्होंने भी लगभग 40 से ऊपर प्रतियोगिताएं यहां रचाई इस नवयुग निर्माता पत्रिका के अंदर। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और हमारे मुख्य लाभार्थी परिवार इन सब से निवेदन करूंगा कि वो यहां आएं और परमात्मा श्री महावीर स्वामी के आगे दीप प्रज्वलन करके आज का ये कार्यक्रम का हम आगाज करें। आइए श्रीमती सुनीता जैन जी और श्री विनोद जैन जी, हमारे बीच में श्री आत्मा चैनल के ही श्री विनोद जैन जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करें तालियों के साथ, उनका भी अभिनंदन करें। श्रीमती विनीता जी और ये सब समस्त जन कृपया करके यहाँ आए और दीप प्रज्वलन करें। इस कार्यक्रम को बनाने के लिए हमने सबके नाम लिए, सबकी अनुमोदना कर दी, लेकिन एक नाम, जिन्होंने इसकी तैयारी ना की होती तो यह कार्यक्रम ना हो पाता। पिछले 8 साल पहले जो कार्यक्रम बना वो इन्हीं ने बनाया, और उसमें अपग्रेड करते हुए आज जिस प्रकार से स्टार चैनल के ऊपर या सोनी चैनल के ऊपर ये प्रोग्राम आता है, ठीक उसी ही प्रकार से आज का ये कार्यक्रम खेला जा रहा है। जिनकी इसके पीछे पूरी मेहनत लगी है, इनकी भी और इनकी पूरी टीम की भी, उन्होंने श्री संघ की बहुत बहुत सेवा की है पिछले वर्षों के अंदर,
विजय इंद्र कंप्यूटर सेंटर भी इन्हीं की देन है, जो बैकएंड पे इन्होंने रह के काम किया। यहाँ पे जो भी प्रतियोगिताएं हुई इन्हीं के द्वारा हुई, और मासिक पत्रिका नवयुग निर्माता की वेबसाइट वो भी इन्होंने तैयार की। मैं निवेदन करूँगा बहन श्रुति जी से कि वो आए और आकर मंच इनकी खूब अनुमोदन कीजिए, खूब ताली बजाइए बहन श्रुति जी, जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, बाद में विधिवत इनका अभिनंदन हमारे सेक्रेटरी साहब महासभा के आ रहेंगे तो वो भी इनका अभिनंदन करेंगे अपने ढंग से, लेकिन एक औपचारिक रूप में मैं आपके साथ इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता था। हमारे बीच में श्री संघ के अध्यक्ष श्री भाई सौरभ जी से और बहन विनीता जी से कहूँगा कि श्री नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करके आज का ये कार्यक्रम का हम आगाज करें। नमो अरि हंताणम, नमो से धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहूणम, एसो पंच नमुकारो सव पावपनाशनो, मंगलाणम च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहूणम, एसो पंच नमुकारो सव पावपनाशनो, मंगलाणम च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम। मंगलाणम च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम। सादर जय जिने। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये अद्भुत प्रतियोगिता कौन बनेगा ज्ञानवीर का आगाज दीप प्रज्वलन और नवकार महामंत्र के जाप से हो चुका है। सबसे पहले तो मैं इस नवकार महामंत्र के चरणों में चार लाइन रखना चाहूंगी, सभी मेरे साथ दें। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे प्रतियोगिता जो है तैयार है, चलिए हम ड्रॉ निकालते हैं। सबसे पहले हमारे आत्मा चैनल के एमडी श्री विनोद जी के हाथों से। रेणु जैन, श्रीमती रेणु जैन, हम इनके साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्रतियोगिता की, और हम उनको ये उनको उद्धरते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार यहाँ से जीत कर लेके जाए। आइए गेम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच लुधियाना की ही श्रीमती रेणु जैन जी, जिनका पहले कंटेस्टेंट के रूप में यहाँ पर नाम आया है,
आपके साथ सहयोगी कौन आए हैं? श्रीमती सुभाष रानी। श्रीमती सुभाष रानी जी, जरा जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन करें। और मेरे सामने बैठी हैं श्रीमती रेणु जैन जी, धर्मपत्नी श्री नीरज कुमार जी जैन। बहुत पहले ये मेरे को मिले तो कहते, भैया मैंने तो अभी तक आत्मा चैनल के ऊपर आया हुआ प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, आपको उत्तर देना चाहिए और आप इसमें अवश्य से भाग लें, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जो कौन बनेगा ज्ञानवीर था उसमें भी आपने भाग लिया था। तो ज़ोरदार तालियाँ इनके लिए। मैं श्रीमती रेणु जैन जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हमारी धार्मिक विद्यापीठ श्री आत्म वल्लभ धार्मिक विद्यापीठ, उसमें ना केवल इन्होंने धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया, धर्म प्राज्ञ की डिग्री प्राप्त की, बल्कि आज की तारीख में सैकड़ों बच्चों को ये निःशुल्क विद्या विद्यापीठ के माध्यम से देते हैं। अनेक अनेक मंडलों से इनका जुड़ाव है, जैसे कि सुलसा सामायिक मंडल, भगवतांगी मंडल, वल्लभ सत्संग मंडल और अनेकों अनेक इन्होंने तपस्याएं भी की हुई हैं। व्रतों के आइबिल, एकादशी की अठाई, पंचमी, दसवीं, सौभाग्य पंचमी, अक्षय निधि तप तो प्रतिवर्ष ये करती हैं। तो मेरे ख्याल से इन तपस्या का ही परिणाम है जो प्रथम प्रतियोगिता के रूप में आज ये हमारे सामने बैठी हैं। धार्मिक स्वाध्याय और समाज सेवा इनका प्रमुख लक्ष्य है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज प्रथम बार प्रथम कंटेस्टेंट के रूप में आप यहाँ पर आए हैं, आपके साथ श्रीमती सुभाष जैन जी। मैं जानता हूँ कि सुंदरनगर से हैं और इनके पतिदेव का नाम भी श्री सुभाष जैन जी हैं, गांधीनगर से हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आप तो पहले से ही पूरी तरह तैयार हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और खुद तपस्वी हैं। बस गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए, देव धर्म, देव गुरु और धर्म की कृपा चाहिए, बस मैं बहुत बहुत बढ़िया। आज का ये अद्भुत कार्यक्रम आपके साथ हम खेलने जा रहे हैं। सबसे पहले नियम और निर्देश आपसे हम कहना चाहते हैं, सभी प्रतियोगी भी इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। 1 से 14 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको पुरस्कार मिलेगा। पहला पड़ाव 6 प्रश्नों के बाद आएगा, दूसरा पड़ाव 10 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर आएगा और तीसरा पड़ाव 13 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर आएगा। इस बीच अगर आप कहीं अटक जाते हैं, मान लीजिए 12वें प्रश्न का अगर आपने गलत उत्तर दे दिया, तो 10 प्रश्नों का क्योंकि आपने सही उत्तर दे दिया है, दूसरा पड़ाव पार कर लिया है, तो 10 पुरस्कार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 13वें प्रश्न के उत्तर देने के पश्चात 14वां प्रश्न जो जैकपॉट प्रश्न होगा, और इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपको ड्यूक फैशन की ओर से मिलेगा बढ़िया क्वालिटी का लैपटॉप। चार लाइफलाइन आपको प्राप्त होंगी। फ्लिप दी क्वेश्चन, अगर उत्तर आपको नहीं आता है तो आप उस प्रश्न को बदल सकते हैं। 50-50 दो गलत जवाब हट जाएंगे। ऑडियंस पोल, यहां पर हमने कोई मीटर तो दिए नहीं है, लेकिन आप प्रश्न ऑडियंस से पूछेंगे। ऑडियंस ऊंची आवाज में हूटिंग करते हुए, शोर मचाते हुए अपना उत्तर देगी। आपको उसमें ढूंढना है कि किसका उत्तर आपको सही लग रहा है। चौथे नंबर पे आप जिसके साथ आए हैं सहयोगी श्रीमती सुभाष जैन जी, तो उनको भी एक प्रश्न का उत्तर देने का, आपको सहयोग देने का मौका मिलेगा। वो स्टेज पर आएंगे और अपना सहयोग देते हुए आपको सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो स्पष्ट है सब कुछ?
तो शुरू करें, तो जोरदार तालियां और शुरू करते हैं आज का अद्भुत कार्यक्रम। कंप्यूटर जी, श्रीमती रेणु जैन जी मेरे सामने हैं, तो उनके लिए सबसे पहला प्रश्न प्रस्तुत करें और देखें कि क्या उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। आज का ये प्रश्न, पहला प्रश्न, एक योजन कितने किलोमीटर का होता है? 14, 12, 18 या 16? आपका समय शुरू होता है अब। यहां से 60 सेकंड आपको मिलेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। एक योजन कितने किलोमीटर का होता है? 14, 12, 18 या 16? बड़े इत्मीनान से आप खेलें, हम चाहते हैं कि आप बड़े से बड़ा पुरस्कार यहां से प्राप्त करें। चौदह, बारह, अठारह या सोलह? समय जा रहा है। कंफर्म आंसर नहीं है, चेंज करना चाहूंगी। स्टॉप, फ्लिप दी क्वेश्चन आप करना चाहेंगे, आपको इसका सही उत्तर नहीं आता, फ्लिप दी क्वेश्चन करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके मन में क्या चल रहा था, क्या लगता है आपको? कभी पढ़ा नहीं? एक योजन, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कंफ्यूजन है। फिर हाँ, भी आप चेंज अपना उत्तर, करना चाहते हैं इसीलिए चेंज होगा। लेकिन उससे पहले आप अपना उत्तर बताएं, उसका आपके जो प्रश्न उत्तर के ऊपर है कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपना उत्तर बताएं। ए हो सकता है, ए हो सकता है 14। कंप्यूटर जी हमें बताएं ये सही है या गलत। ये गलत जवाब होगा, मुझे वही कंफर्म नहीं था। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से खेले आप, आपने समय रहते लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया, तो ठीक है। कंप्यूटर जी, इन्होंने फ्लिप दी क्वेश्चन का जो ऑप्शन यूज किया है, तो इनके लिए अब एक नया प्रश्न प्रस्तुत करें। आपके सामने अगला प्रश्न आता है ये, लंकेशपति रावण का पतन किसके कारण हुआ? माया, लोभ, मान या क्रोध? आपका समय शुरू होता है अब। माया के कारण, लोभ के कारण, मान के कारण या क्रोध के कारण? मान, मान के कारण, मान के, मान के कारण, मान के कारण। सही लगता है, लॉक कर दें। कंप्यूटर जी, सी मान को आप लॉक करें और हमें बताएं कि यह सही है या गलत। और यह सही जवाब। बहुत अच्छे से खेले आप। लंकेशपति रावण, जिसको अपने अहंकार के कारण, मान के कारण, अहंकार था, जो इतना बलशाली था, तो उसका पतन हुआ। बहुत अच्छे से खेले आप, एक लाइफ लाइन आपकी चली गई, पहले प्रश्न पर आप जीत गए। तो दूसरा प्रश्न अब हम मिलकर खेलते हैं। तो कंप्यूटर जी हमारे सामने प्रस्तुत करें दूसरा प्रश्न। इस अवसर्पणी काल की प्रथम साध्वी जी का नाम क्या था? सुंदरी, चंदनमाला, सुनंदा या ब्राह्मी? आपका समय शुरू होता है अब। डी ब्राह्मी, डी ब्राह्मी, चंदन वाला साध्वी। इस अवसर्पणी काल की प्रथम साध्वी का नाम क्या था? पहले आपने कहा ब्राह्मी, फिर कहा चंदन वाला,
क्या लगता है आपको? डी ब्राह्मी, डी ब्राह्मी लॉक कर दे, सही लगता है। कंप्यूटर जी डी ब्राह्मी को लॉक करें और हमें बताएं ये सही है या गलत। अगर आप चंदन वाला कहते नहीं वो तो ये गलत होता, ये बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा। थोड़ा सा नर्वस लग रहे हैं, ऐसी नर्वस की बात नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न आपके लिए हम लेके आए हुए हैं। और समय समाप्ति की घोषणा, लेकिन कोई बात नहीं, आज का खेल समाप्त हम यहीं करते हैं, लेकिन आपके साथ पुनः अगले सप्ताह यहीं से खेल को प्रारंभ करेंगे। तो जाने से पहले आत्मा चैनल के दर्शकों से हम विदा लेते हैं। कौन बनेगा ज्ञानवीर कार्यक्रम का आयोजन हमने जिनेश्वर परमात्मा तीर्थंकर श्री महावीर प्रभु की वाणी उस पर आधारित किया है, उनके सम्यक ज्ञान के ऊपर आधारित किया है। हम उनके ज्ञान को प्राप्त करें और ज्ञानवीर बन जाएं। आप अपने अपने घरों के अंदर स्वाध्याय करें, अपने नज़दीक में पूज्य गुरु भगवंतों के पास जाएं और वहाँ उनके मुखारविंद से सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, ताकि हम और आप जल्दी से जल्दी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करते हुए अपने असली पद यानी निर्वाण पद को भी प्राप्त कर सकें। ऐसी अभिलाषा, मंगल अभिलाषा के साथ आपसे विदा लेते हैं, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद सहित आभार, सादर जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ड्यूक फैशन, द एसेंस ऑफ ग्रेट फैशन। दिस प्रोग्राम इज को-स्पॉन्सर्ड बाय पारस मनी, वल्लभ यान प्राइवेट लिमिटेड, एस दिनेश एंड कंपनी, रेड हिल, जे जुकी टी शर्ट्स, M&W कंफर्ट क्लोदिंग, मैन लियो ओरिजिनल, इंदिरा होजरी, स्टैलो फैशंस। दिस प्रोग्राम इज को-स्पॉन्सर्ड बाय DC लुधियाना, अनिल टेक्सटाइल्स, प्रवीण फैब्रिक्स, चप्पल वी, साइबर एक्सल, गुरु सेवक परिवार, अ सोशल हेल्पिंग हैंड, ली बांटम, KGM लुधियाना, ओसवाल एंटरप्राइजेस, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय बापूजी फूड्स, DK सूट्स, BMKL लुधियाना, रेलटेक कपूरथला, विमल फैब्रिक्स दिल्ली, BB वुलन मिल्स वल्लभ उद्योग, PV बुक्स जलंधर, देरा शेयरिंग कंपनी।